ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ओ भाई, किससे मिलना है? मिलना तो किसी को नहीं है। तो फिर क्यों आयो? हम तो मैडम को लेने के लिए आए। कौन सी मैडम? सीमा मैडम। अच्छा तो ये बोलो ना कि सीमा मैडम से मिलना है। जाए मिलने के वास्ते थोड़ी है, हम तो उसको लेने के वास्ते, हम उसका ड्राइवर है। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो यूं बोलो ना। ऐसा ही बोलते है, और कैसे बोले भाई। उफ उफ है तुए, तुम्हारा तबीयत खराब तो नहीं? उफ करता है। ओ यार जी बैठो, मैं अभी बुला के लाता हूं। आई 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 ओ अरे भागे तुम बाबू गुल। तो मेरे भाग ये जो भी तो आपके सामने खड़ा है, आपको नजर आ रहा है। अच्छा मैं तैयार होके आती हूँ। सुनो बाबू, तुमने कुछ रोटी शोटी खाई है? मेरे आपने जैसे हुकुम किया हम ऐसा सीधा आ गया, रोटी भी नहीं खाया, चाय का कप भी वही छोड़ के आया, आपको हुकुम की तामील की है बस। पता नहीं रो क्यों रहे हो भाई, सही से बोलो ना। हम ऐसा ही बोलते हैं भाई। अच्छा अच्छा, रोटी खानी है। अच्छा एक काम करते हैं, जानी तुम ना बाबू के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, तब तक मैं तैयार होके आ जाती हूँ। मैं इनके लिए बर्गर ले आता। हाँ ये ठीक है, चलो मैं तैयार होके आ रही हूँ। आप जा बैठो, मैं ला बर्गर। हो सकते रोटी को बोलता है बर्गर। बहुत गर्म है यार। सीमा मैडम बोलता रोटी, ये रोटी तो नहीं, ये तो खाली बन है, बन इसमें कबाब भी नहीं है। चलो चाय तो है, गरम गरम चाय। बाबू कुल फिर चले। अच्छा खाना खाना खा लिया ना, रोटी खा ली? मेरे बूटी बूटी तो नहीं खाए अब तो। ओहो एक सेकंड रुके, जानी 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 आया आया आया। जी जी मैडम। जानी तूने बाबू कुल को खाना नहीं दिया? बर्तन देखे, नजर नहीं आ रहा आपको, इसमें दो बन कप चाय का सब सुलग गए। अब बाबू खाना खाया तो है तुमने? मैडम ये तो बर्गर है, कोई रोटी तो नहीं है, ये तो सादा बर्गर है, इसमें तो कबाब भी नहीं था। होटल में आया तो क्या? ओहो बाबूगुल अभी के लिए इतना सही है, बाद में रास्ते में खा लेना। चलो चलो अब। अच्छा जानी बच्चों को बता देना कि मेरी मीटिंग्स आज काफी ज्यादा है, हो सकता है शाम को लेट हो जाए, तो परेशान ना हो। ठीक है चलिए बाबू जी, जल्दी आ जाना आप जी, बच्चों और जरीना को कौन संभालेगा। चलो खैर सब खा गया फिर भी भूखा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है मैडम, अल्लाह का बड़ा करम है। आप कैसा है मैडम? खैर अब तो अभी क्या चल रहा है? मैडम गाड़ी चला रहे और आपको साथ लेके जा रहे। बाबू अच्छा हम समझा, हमसे बात कर रहे जी? नहीं वो असल में मीटिंग के लिए आना था, तो मैंने कहा एक दफा आपसे कंफर्म कर लूं। जी जी 2:30 तक ठीक रहेगा?
ओके 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 अल्लाह। हाँ हेलो। हाँ बस मैं मीटिंग में पहुँच रही हूँ। ताना मैंने ये कहा मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लो है, चार्जर है नहीं मेरे पास, तो अगर फ़ोन ऑफ मिले तो परेशान मत होएगा, मैं निकल गई। जी जी ओके बाय। चलिए तो फिर मैं बाद में आती हूँ जब सीमा आ जाएगी तो। अरे बाबा बैठो बैठो, मुझ में बला क्या, कांचे लगे हुए, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ दोस्ती कर लो। दोस्ती ऐसे थोड़ी होती है। तो बला बाबा कैसे करते हैं दोस्ती? दोस्ती करने के लिए क्या किताब छपी है कि इसके तरीकों पर अमल करें? देखो जरीना, दोस्ती मानने के लिए ना दिल से दोस्त होना बहुत जरूरी होता है। तो बला तुम मुझे अपनी दोस्त दिल से मान लो? तुम समझ ही नहीं रही हो। अरे पापा समझ नहीं रही तो तुम मुझे समझा दो, वैसे भी मैं बहुत मासूम हूँ। उफ मैं कहाँ फंस गई। अरे फंसी हुई बच्चियों को फंसाने का माहिर जानी हाजिर। मेरा मतलब है फंसी हुई लड़कियों को निकालने का माहिर जानी। जानी अदा के मेहमान आने वाले हैं, ऐसा करो ड्राइंग रूम जल्दी से खाली करो, उनके मेहमानों को यहाँ बिठाना है। ज्यादा फ्री होकर बात करने की जरूरत नहीं है तुमको। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। शुक्रिया भाईजान। सीमा ना शाम को आएगी, फटाफट निकल दो। शुक्रिया भाईजान। अच्छे बुरी की तमीज ही नहीं है औरत को। बताओ बोला भाईजान, सिर्फ जान बोल देती। अरे जानी, अरे बाबा जानी किधर मर गया, इधर आओ जानी। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे बाबा तुम बाहर से किधर से आ रहा है? वो गार्डन की ना मैं जरा सफाई वाई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा बाबा ये बताओ घर में कुछ खाने को है? ओलो सीमा मैडम तो मीटिंग के लिए गई हुई है और कह के गई है कि बाहर से खाना मंगवाना है। अरे वाह भाई वाह बच्चू, आज तो तू हमें बाहर का खाना खिला रहा है, इसका मतलब है फिर मेरे लिए पिज्जा मंगवा ले। यार देख मैं बर्गर खाने के मूड में हूँ, देख यार बर्गर मंगा दियो मेरे लिए। अरे बाबा जानी एक काम करो, इनसे पैसे ले लो और जो ये कह रहे ना वो जाकर ले आओ, थोड़ा सा ज्यादा लाना तुमने और जरीना ने भी तो खाना है। अबे यार कोई हद होती है यार, हम तेरे मेहमान हैं यार। अरे बाबा एक दो मुफ्त में मेरे घर में तुम लोग वक्त गुजारने आते हो, अपने घर में तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सांस भी नहीं लेने देती है, उल्टा खाना भी मेरे ही खर्चे पे खाओगे। लेकिन बच्चू मेहमान की खिदमत करना तो मेजबान का फर्ज होता है। अरे बाबा मेहमान का भी तो फर्ज होता है कि अगर किसी के घर जाए तो कुछ लेकर जाए। बाबा अगर खिदमत करने की बात है तो मैं तुम्हारे कंधे दबा देता हूँ, जानी इसके हाथ और पैर दबा देगा। अच्छा भाई गला भी दबा दूं क्या? हाँ लेकिन खाना बाहर से ही लाना पड़ेगा बाबा अपने पैसों का। कमाल है यार खुदा की कसम, दुनिया में अगर कंजूसों का मुकाबला हो ना बच्चू तो तू यकीन मान पहले नंबर पे आएगा। अरे बाबा शुक्रिया शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल तो समझा है, फिर मुकाबला कब करा रहे हो? सोचते हैं तेरे लिए। हाँ बाबा सोचो। बाबा पिज्जा और बर्गर जो इनकी ख्वाहिश है ना इन्हीं के पैसों से लाना है। लाओ अबे जा यार। मैडम गाड़ी में तो पेट्रोल नहीं है, अब आपको दफ्तर छोड़ के फिर पेट्रोल डलवा के आपके पास आएगा मैडम। ठीक है मैडम। मैडम तो गाड़ी में नहीं है। ओ माँ मैडम किधर गया? हा माइडो सोनो सुठो वगो वतो 7000 रुपए जो। कोई है? कोई हमारा आवाज सुन ले? फोन करे बुदाइंदस। घर में कोई है? सीमा मैडम किधर है? लगे तो केर मुंह वाला अंदर जी अभी। पता नहीं सीमा मैडम किधर है? अरे कौन हो और अंदर कैसे आ गए? हम बाबू है,
बाबूगुल। बाबूगुल होगा तो फिर मैं क्या करूँ? यहाँ क्या करने आए हो? अब सीमा बीबी का ड्राइवर है। सीमा मैडम घर पे नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। तुम हमारा बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। बोलो। बस ऐसा करते हैं कि ठीक है कि मैं तैयार होकर वापिस आ जाती हूँ, तुम मुझे पूरा शहर घुमाने के लिए आज लेके चलो, ठीक है? मैं ऐसे गई और ऐसे आई। इसको घूमने का पड़े, बोलते सीमा मैडम घूमो। अरे गुल, आप यहाँ? मैडम किधर गई? ये तो हम पूछ रहे, मैडम किधर है? ये क्या बात हुई? मैडम अगवा हो गए। अगवा हो गया? अबे क्या कह रहा भाई? मैं ठीक बोल रहा है यार, कुछ तो देखा। हमको क्या पता, हम तो गाड़ी चला रहा था, पीछे मुड़ के देखा मैडम नहीं। अरे ऐसे कैसे गायब हो गई? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर फिर भी तुमने कुछ देखा होगा, गाड़ी से उतरी होगी, कोई पैदल ले गया, क्या हुआ कुछ तो बताओ। इतना शोर होता है, हमको क्या पता है मैडम किधर गई। अबे अजीब आदमी है, तुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ? नहीं पता चला। एक मिनट रुक, अभी फोन करता हूँ। अरे अजीब किस्म के इंसान हो यार तुम, फोन भी बंद जा रहा है। अल्लाह खैर करे। बात सुनो, मैडम का बैग गाड़ी में रखा हुआ है, आओ देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए किधर है। हाँ ये अच्छी बात है, आओ चलो चलो। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है? इधर आओ बाबू, देखो यार इसमें से देखो। अरे बैग तो ये वाकई पड़ा हुआ है, फोन निकालता हूँ जरा, तो मैं देखता हूँ। अरे इसकी तो बैटरी डाउन है भाई, ये तो क्या होगा यार, अब कैसे पता चलेगा कि यार इसका कैसे अरे बाबा, चोर चोर पकड़ लिया चोर। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम अपनी मैडम का बैग चोरी करता है। बच्चू भाई आपको गलतफहमी हो रही है, कैसे बात कर रहे हैं? हम तो बैग देखने आए थे गाड़ी में यार। तो बाबा सीमा किधर है? इधर है, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि भाई साहब लेके गए थे, पता नहीं उसके बाद से सीमा का पता ही नहीं है, मुझे लगता है किसी ने अगवा कर लिया यार। अरे बाबा अब क्या होगा बाबा, जाने क्या करें? अब करना क्या है? अरे बाबा मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। अब तो बोलता है कि पुलिस में रिपोर्ट कर रहा हूँ। अरे नहीं बाबा, बहुत बदनामी वाली बात है। तो बताए ना फिर क्या करें? अरे बाबा तुम तो पहले कॉल करो ना ऑफिस में, पता करो सीमा मैडम का। गुड आइडिया। हेलो जी, जी जी मैं बच्चू भाई के घर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सीमा मैम का पूछना था, वो ऑफिस में है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। अरे बाबा क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि सुबह आई थी वो, एक फाइल लेके चली गई, उसके बाद से उनको कुछ पता नहीं। हाँ तो फाइल लेने के लिए ही तो हमारे साथ गया था वो। अरे बात बताओ, आप रोते क्यों हो? यार आप ऐसे ही बोलते, हमारा बोलने का अंदाज ऐसे ही है। अरे बाबा तुम तो चुप करो ना, एक किस्म का घटिया इंसान है। तुम्हारी गाड़ी से मेरी बीवी गायब हो गई है, तुम कहाँ गई किधर गई तुम्हें कुछ पता नहीं है? तुम यहाँ बैठे और मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे अदी जरीना इधर बैठना, और ये बता तू इसको जानती कैसे है? अरे अदा ये आपका ड्राइवर है ना, मैंने इसको कहा था कि घूमने के लिए चलेंगे, ये पता नहीं कहाँ भाग गया। अरे मैडम आपको नहीं पता इधर क्या परेशानी चल रही है। अरे क्या हो गया बाबा? अच्छा इसका मतलब है कि सीमा वाकई अगवा हो गई। बाबा इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? अरे बाबा अच्छा है ना, मुसीबत खुद ही चली गई, खुश नहीं होंगे तो और क्या करेंगे? ऐसे तो मत बोले, वो मैडम है मेरी। अरे मैडम तुम्हारी होगी, मेरी तो दुश्मन है। अरे बाबा चुप कर। अरे बाबा क्यों चुप करूं? अदाब ऐसा करती हूँ कि एक छोकरी देखती हूँ तुम्हारी, उससे दूसरी शादी करा देती हूँ, बहुत मजा आएगा। अरे 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 क्या हो गया? अरे अरे की क्या बात है, अभी जाती हूँ नेट पे खूबसूरत सी लड़की देखती हूँ फेसबुक पे, जो मेरी तरह खूबसूरत हो, अदा की दूसरी शादी कराऊंगी मैं। अरे बाबा तुम दोनों मेरी शक्ल क्या देख रहे हो बाबा, कॉल करो पुलिस को बताओ, और हाँ अखबार में भी छपवा दो बाबा। जी आप क्या करें? अरे बाबा तुम खुदकुशी कर लो। खुदकुशी करेगा तो तुम्हारा गाड़ी कौन चलाएगा? अरे यार जानी चला लेगा, तुम करो खुदकुशी। ये भी, अब गाड़ी भी मैं चलाऊंगा? ओ भाई रोना तो बंद कर। अब ऐसे ही यार, अब रो नहीं रहे, हमारा अंदाज ऐसे है यार। हाँ बाबा सही, क्या करूँ, पता नहीं सीमा कहाँ चली गई है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। हाँ बाबा मैं करता हूँ, जानी आ गया बाबा से, यहाँ बाबा से, अल्लाह हाफिज। क्या बना बाबा क्या बना? पुलिस को खबर कर दी मैंने। अच्छा बाबा खबर चलवा दी है? जी जी चलवा दी। अच्छा बाबा नंबर किसका दिया है? आपका और अपना। ये भी ठीक है बाबा, बिल्कुल ठीक है। अरे बाबा कॉल आ रही है किसी की। हेलो। हाँ बाबा क्या? अच्छा अच्छा बाबा, हाँ बाबा हमारी बेगम है बाबा सीमा, क्या बात कर रहे हैं, अगवा। अच्छा बाबा नहीं नहीं बाबा कुछ नहीं करना, बाबा कुछ नहीं करना, क्या बात कर रहे हो बाबा, 50 लाख रुपए
बाबा 50 लाख मांग रहे सीमा को छोड़ने के, देने है नहीं, देने नहीं बाबा, देने देने, आपको नहीं बोल रहा था बाबा वो। बाबा क्या बाबा, अकेला किधर बाबा, तुरबत। अच्छा बाबा, अच्छा आता है बाबा, हम आता है। ओए खुदाए पामान, हमको ऐसा है पुलिस पर रिपोर्ट कराना चाहिए। अरे बाबा बाद में पुलिस से बात करना, पहले ये तो सुनो, सीमा को अगवा कर लिया है, वो भी बलूचिस्तान में रखा है, तुरबत में बाबा, और मुझे अकेला बुलाया 50 लाख रुपए लेकर। और बाबू गुल ये तो खतरे की बात है, इस तरह मैडम की जान को खतरा हो जाएगा, मेरे ख्याल है हम लोग निकलते हैं। ठीक है ठीक है, तुम लोग हमारे गाड़ी में चलाओ। अरे बाबा ये रो क्यों रहा है जानी, मैं भी सुबह यही पूछ रहा था इससे। और यार बाबा बोलते ही ऐसे हम, यार तुम चलो हमारा गाड़ी में चलो। चलो हाँ बाबा ये ठीक है, रुको हम आते हैं अंदर से, सबर करो बाबा, इस झमेले में डाल दिया। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। अरे जरीना तू तो चुप करना बाबा, मैं जंग पे थोड़ी जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा वापस सीमा को लेके। इसी बात में तो मेरे को रोना आ रहा है। हाँ मैं भी साथ चलूंगी। अरे बाबा मैं घूमने थोड़ी जा रहा हूँ, जो मैं साथ लेकर जाऊँ, मैं यूं गया और यूं वापस आया। अरे बाबा ये फोन ही किसका है, मैंने पजामे में जेब सिलवाया है। बाबा ये तो उसी अखबार का फोन है। हाँ हेलो बाबा बोलो, क्या बाबा 50 लाख और क्यों बाबा, सीमा तंग कर रही है क्या? नहीं नहीं बाबा मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, नहीं बाबा नहीं पुलिस को नहीं बताऊंगा, नहीं बाबा मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ बाबा हम पूरा 1 करोड़ रुपया लाएंगे। अल्लाह खुदाए पाक, ये फिर 50 लाख। यार तुम तो चुप करो। बच्चू भाई क्या कर रहा है? अरे बाबा करना क्या है, जरीना एक काम कर, तू मेरे साथ चल बाबा, मैं इस जानी के साथ तुझे नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैं नहीं आता बाबा, मेरे को जाने की बला क्या जरूरत है, जानी है ना मैं इसके साथ घर पे हूँ। नहीं बाबा मैंने कह दिया नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, चल जा शाबाश अंदर। अच्छा बला ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बाबा और क्या तैयार होगी, तैयार तो है बस इसी कपड़ों में चलेंगे। अरे बाबा तुम लोग बैठो, मैं 50 लाख का इंतजाम और करता हूँ बाबा, बैठो बैठो बाबा, इसको छोड़ो। क्या हो गया यार, 50 लाख रुपए मांग रहे। यार आप रो रहे हो क्या? अब रो नहीं रहे यार, हमारा स्टाइल दादे से बात करने का यार। अरे मैं पूरे भाई पूरे, मेरी तनख्वाह भी इसमें शामिल है। अरे नहीं बाबा आप देख रहे आखिरी दफा 1 करोड़ रुपया ना, तो पैसों को देख रहा था। चलो चले बाबा, चलो बाबू चलो चलो। अरे भाई कहाँ जा रहे हो साहब घूमने के लिए, क्या मैडम मिल गई है? अरे नहीं बाबा इसीलिए कि तो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा तो मुझे भी तो कुछ बताओ ना। आप बैठो बेग साहब बैठो, तशरीफ रखो बाबा बताते हैं। बैठ गए बैठ गए जी बैठ गए। बाबा वो लेकर गया था बाबा, वो छोड़ा है बाबा, और तुरंत से कॉल आई है, वो कह रहा है कि पूरे 1 करोड़ रुपया दो बाबा, वही लेकर हम जा रहे थे अभी। हाँ बाबा बस अब हम जा रहे हैं। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। वो क्यों बाबा? मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसे लोगों को, ये आपसे पैसे छीन लेंगे और आप सब लोग लूट कर वापिस आ जाएंगे, सीमा उनके पास नहीं हो सकती। क्यों बाबू कितनी देर पहले की बात है ये? 3 घंटा तो हो गया होगा। 3 घंटे में कोई तुरबत में जा सकता है? ठीक बोल रहे हैं आप तो, कोई कहीं नहीं जाएगा, कानून अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है, तुम तो इधर बैठा हुआ। अरे बाबा हम तो अच्छे खासे घूमने के लिए जा रहे थे, आपने हमें रोक लिया। भाई आप लोग हौसला रखें, मैं हूँ ना। शुक्र बच गया। हाँ बाबा बात तो ठीक है, बच तो गए। हेलो, हाँ अच्छा कुछ पता चला? ऐसी ऐसी कोई खबर नहीं है। ओहो तो इसका मतलब है कि मैडम सीमा शहर में ही है। अच्छा चलो ठीक है। मुबारक हो मुबारक हो, मैडम सीमा मिल गई। अरे बाबा कहाँ है बाबा, कहाँ है वो? शहर से बहुत दूर एक मकाम पर, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमको 7 पैसे लेकर जाने होंगे और पूरे 1 करोड़ रुपए। अरे बाबा ये पूरे 1 करोड़ है इन दोनों बैगों में, लेकिन बाबा मेरी सीमा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, पुलिस है ना आपकी खिदमत के लिए। पुलिस है तो ये पैसे काहे के लिए लेके जा रहे हैं? तुम अपनी जबान बंद रखो, और तुम पे तो मुझे पहली शुभ है,
अगवा तो मैडम तेरे साथ ही हुई थी ना। बेकसब रहने दे भाई अपना, मैं जानता हूँ उसको, ये इस टाइप का आदमी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना होगा, मैं चलता हूँ। ठीक है हाँ, बेक साहब बेक साहब बहुत तेज जा रहे हैं। आ, 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 इसको छोड़ के आते हैं। बाबा आ जाओ, आ जाओ बाबा छोड़ के। चलो चले बेग साहब, बाबा चले, पैसा बहुत है बाबा, चलो चलो बाबा, नहीं है चलो बाबा। अरे क्या हो गया भाई यहाँ पे, सब लोग बाहर क्यों जमा हो गए आप लोग? अरे बिगम आप तो अगवा हो गई थी, आप यहाँ कैसे? अगवा? नहीं मैं तो अगवा नहीं हुई थी। तो फिर आप कहाँ थी? मैं हुआ कुछ यूं था। हाँ हेलो, हाँ बस मीटिंग में पहुँच रही हूँ। ताना मैंने ये था, मेरे फोन की बैटरी बहुत लो है, चार्जर है नहीं मेरे पास, तो अगर फोन ऑफ मिले तो परेशान मत होएगा, मैं निकल गई। जी जी ओके बाय। अभी तो किसी तरह मीटिंग में पहुंचूं, मैं फोन यूज। भाई रुको भाई, वो सामने सदर तक जाना। बगैर फोन और बगैर पर्स के करके आई हूं मैं। जब ही तो हम कह रहे थे कि मैडम अचानक किधर गायब हो गए। बाबूगल तुम तो कुछ ना बोलना, तुम पर तो मैं बहुत गुस्सा हूँ। अच्छा चलो अब तो सब ठीक हो गया ना, अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठहरो ठहरो जरा रुको, सीमा मैडम अगवा हो गई है, शहर से बाहर चली गई है। अच्छा अच्छा मैं आता हूँ, आके अभी आके आप बात करता हूँ अभी। पंगे से आ रहे जी। क्या पापा मगर क्यों? उम्रा करने जा रहे ना। तो हमारे यहाँ से उनको वीजा लेना है क्या? अरे बाबा आप अपने मेहमान भी यहाँ बुला लेते हैं। मैं अकेला जी, काम करने वाला कोई नहीं, इसलिए बुला लिया इसको। तेरा नौकर भी तेरी तरह बदतमीज है। क्यों क्या हुआ जी? क्या हो गया, आया ना सलाम ना दुआ और पूछा क्या है? क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं तेरे बाप की तरह बहरा नहीं हूँ, सब समझता हूँ इसने मुझे क्या कहा है, समझी? जब तुम्हें सब पता है कि मैं क्या पूछ रही हूँ, तो फिर भला पूछने की जरूरत क्या है? ये क्या बेहूदा कपड़े पहने, आइंदा जब तक मैं यहाँ हूँ ये बेहूदा कपड़े नहीं चलेंगे, समझे? भाई साहब ये अखबार बांध लेगा अब ये वाला खाना। अबे ओ माली, ये क्या महफिल सजा रखी है? अरे बाबा तुम कौन है? मेरे को पूछता है कि मैं कौन हूँ, अबे तू कौन है? अरे बाबा साथ कोई खड़ा है जो मैं पूछ रहा हूँ, तुम इसे पूछ रहे हो ना कि तुम कौन है? मतलब क्या है बट सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा।